लग दिल हार दिया किस हिसाब ना हट दिया वो लग दी पंजाब दिया किस हिसाब ना तक दिया दिल्ली दा नखराया साईं ने उदा वखराया। हेलो हेलो। हाँ आपको भाई। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बताइए जी। पहले अपना तारुफ करा दो। मेरा नाम अली हसन है, मैं यूपी बस्ती से बोल रहा हूँ। अभी आप ही ने कॉल की थी वीडियो कॉल? जी जी मैंने ही की थी। अच्छा बताइए। वो एक फोटो डाला हूँ आपके उसमें व्हाट्सएप में, वो मेरी ही फोटो है। अच्छा अच्छा जी। मैंने कहा आप मुझे देख भी रहे भाई जी। और खैरियत से है आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तारीख कर लिए जी? जी। तो आप किस मसले से ताल्लुक रखते हैं? अहले सुन्नत। अच्छा अहले सुन्नत, ठीक है। आपसे एक सवाल पूछना था, जवाब देंगे? हाँ मालूम होगा इंशाल्लाह देंगे। अच्छा आप आलिम हैं कि मतलब ऐसे ही हैं? भाई जो हनफी हैं अंधे मुकल्लिद उनके सामने आलिम है और अपने आलिमों के सामने भाई हम छोटे मोटे तालिबे इल्म हैं। अच्छा अच्छा छोटे मोटे तालिबे इल्म हैं, अंधे मुकल्लिद के सामने आलिम हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको मालूम होगा जवाब देना वरना खुदा हाफिज़। भैया देखिए लेकिन एक बात है, मतलब गर्मी नहीं दिखाइएगा, प्यार से हम बात करेंगे। मतलब गर्मी नहीं दिखाना, मतलब प्यार से बात करेंगे, जो सवाल होगा उसका आप जवाब देना। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी जवाब दूंगा इंशाल्लाह। नहीं हमें पूछना ही नहीं, हमें पूछना होगा तो किसी आलिम से पूछेंगे। अच्छा अच्छा क्या मैं आपको जाहिर लिखता हूँ? मैं आपको जाहिर लिखता हूँ? नहीं तो मैंने कब कहा? वही ना, तो आप आलिम से पूछेंगे। हाँ पूछना ये था कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब है कि नहीं है? भैया कहाँ तक गए? हाँ भाई पूछो ना। मैंने ये पूछा कि रसूलुल्लाह के इल्म गैब के बारे में आप क्या कहते हैं? नबी के इल्म गैब ये पूछे कि अल्लाह का इल्म गैब? मैंने कहा रसूलुल्लाह यानी पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा के इल्म गैब के बारे में आप क्या, आपका क्या ख्याल है? अरे इल्मे गैब तो सिर्फ अल्लाह को है ना, तो अल्लाह के तालुक से पूछिए ना, नबी को थोड़ी ना है। अच्छा अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब नहीं है? अच्छा ये बताइए उमर रजी अल्लाह ताला अनु के इल्मे गैब के तालुक से आपका क्या मानना है? बिल्कुल अच्छा मानना है। इल्मे गैब था उमर रजी अल्लाह ताला अनु को? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल था। इल्मे गैब था उमर रजी अल्लाह ताला अनु को? हां बिल्कुल था इल्मे गैब। चलिए भाई ठीक है माशाल्लाह। हाँ अच्छा तो वैसे आप बताए, चलिए आज टॉपिक छोड़िए, जो सवाल का जवाब दीजिए, फजूल सवाल नहीं। हाँ तो आपका क्या ख्याल है, नहीं था इल्मे गैब? हेलो भैया भाग गए? अरे भाई भागे नहीं, हम सोच रहे हैं आप पूरा बोल लो क्योंकि हम बोलेंगे तो बीच में टोकना ना भाई। अच्छा मैं ये कह रहा था कि आपने कहा सारी गैब अल्लाह को रसूलुल्लाह को नहीं है, तो आप इसका साबित कर दीजिए कि नहीं है रसूलुल्लाह को? नहीं आपको साबित करने को बचा ही नहीं ना, आपके नजदीक जब मेरे भाई जो सहाबा हैं उनको इल्मे गैब है, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इल्मे गैब है, सबको इल्मे गैब है, तो फिर अब बात करनी बेकार है ना। अच्छा कुछ नहीं बचा? अब कुछ नहीं बचा, आप मेरे भाई पहली बॉल पे आउट हो गए। अच्छा पहली बॉल पे आउट हो चुके हैं आप, तो अब आप काहे के लिए कह रहे हैं कि नहीं मेरे को बॉल फेंको मैं बैटिंग करूंगा? अच्छा नहीं मैं बैटिंग जीरो पे आउट हो चुके हैं। अच्छा लेकिन मैंने आपकी एक वीडियो सुनी थी यार, उसमें क्लास थी, उसी के जवाब के लिए थोड़ा फोन किया तुम्हारे पास। देखिए अहले सुन्नत का कीदा अगर आप जानना चाहते हैं तो अहले सुन्नत का कीदा ये है कि जो इल्मे गैब है और अल्लाह सुबहान तआला जिसको चाहता है अपनी गैब की जो बातें होती है खबरें होती है वो उन पर जाहिर कर देता है, यानी कि जो गैब की इत्तला होती है इत्तला वो अल्लाह ताला अपने नबी को दे देता है, और जो नबी होते हैं वो मेरे भाई उसको उम्मत तक पहुंचाने के लिए उसको बता देते हैं। अच्छा जी, इल्मे गैब जो पावर है वो सिर्फ अल्लाह को है। अच्छा नहीं पावर तो हकीकत बात अल्लाह को है, कुल्ले इल्म अल्लाह को है, अताई इल्म रसूलुल्लाह को है, और अताई इल्मे गैब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी आपके हिसाब से? नहीं मेरे हिसाब, आपने इल्मे गैब के बारे में सवाल किया था और उमर फारूक को एक इल्मे गैब में साबित कर सकता हूँ। हाँ साबित कीजिए भाई। साबित कर दूँ? जी साबित कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। देखते हैं थोड़ा साबित क्या करना है।
हजरत उमर फारूक अपने एक नायब को भेजे थे, अरे अपने एक नायब को भेजे थे, उनका नाम मुझे गालिबन याद नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, फिर हाँ चलिए कोई बात नहीं, आप वाकया सुन लीजिए बहरहाल, लेकिन मुझे वाकया बता दीजिए। हमारी कोई ऐसी शर्त ही नहीं है कि अरबी पढ़ो, सारे रावियों का नाम बताओ, नहीं, आपको जो याद है टूटा फूटा बता दीजिए। जी जी, तो टूटा फूटा ही बता रहा हूँ। तो उनके पास वो उन्होंने भेजा, तो वहाँ पे जब वो गए जो है, तो दरियाए नील चल नहीं रहा था, सुस्त था। जी भाई, आप आराम से इत्मीनान से सोच सोच के याद करके बताइए, मैं बिल्कुल चुप हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप आराम से बोलो पूरा बात। ये दरियाए नील चल नहीं रहा था, तो हजरत उमर फारूक के पास उन्होंने चिट्ठी भेजा के उमर दरियाए नील चल नहीं रहा, इसके बारे में क्या करें। तो हजरत उमर ने कहा, दरिया के लिए चिट्ठी भेजा था जो है कि उन समय उसका मफहूम ये लिखा था, और उनसे कहा गया था कि ये चिट्ठी आप ले जाना, दरियाए नील में डाल देना, दरियाए नील चल पड़ेगी। इसके बाद उन्होंने फिर दरियाए नील के तरफ चिट्ठी ले गए, अपने काफी लोग को बुला के, जैसे मान लो जो मुखिया होते हैं गांव के, उनको बुला के ले गए, और दो चार लोगों को लमसम ले गए होंगे, जिसने को भी ले गए ले गए। इसके बाद उस चिट्ठी को दरिया में डाल दिए, उसमें फिर जानते हो क्या लिखा था, लिखा ये था कि मतलब है दरिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है तो उमर कहता है चल जा, वरना तुझसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो वो दरिया चल पड़ी थी। तो आपका क्या ख्याल है भैया? तो ये इल्मे गायब हो गया हमारा यार, ये इल्मे गायब नहीं है उमर फारूक को, मतलब ये जो वाक्य आपने बताया है ये इल्मे गैब है। इल्मे गैब की मतलब ये एक मेरे पे दलील है, पुख्ता सबूत है कि उमर रजी अल्लाह तआला अनु को भी इल्मे गैब था, है ना? तो ये जो इल्मे गैब आपने जो साबित किया है, ठीक है, तो ये मतलब जो मुहद्दिसीन है उनको हटाइए, जो बरेलवी आलिम है आपके, उन्होंने ये कब कहा कि इस वाक्य से उमर रजी अल्लाह तआला अनु का इल्मे गैब साबित होता है? मैंने तो ये नहीं कहा कि बरेलवी आलिम ने कहा। हाँ, तो किसने कहा है फिर? मैं रहा हूँ ना। नहीं, आप मतलब कौन है मेरे भाई? कोई मौतबर इंसान ने क्या ये मेरे भाई जो बातिल कयास है वो ये सबसे पहले आपने किया है, या आपसे भी पहले किसी से आपने मतलब सुना है, पढ़ा है? हो गया आपका, मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना। ये मेरी आवाज रिकॉर्ड करके आप नेट पे डालेंगे ना? हाँ बिल्कुल डालेंगे, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। ये जो मेरे भाई जो आपके आपको पता चला है कि उमर रजी अल्लाह तआला अनु को इल्मे गैब था, ये सिर्फ आपकी मतलब ये खुद साख्ता मेरे भाई खोज है, या आपसे पहले किसी ने इसकी तहकीक की है? नहीं, ये मेरी खोज है। आपकी खोज है, तो भाई आप मतलब बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी जो ये खोज है ये मेरे भाई बिल्कुल गलत है और बातिल है, और अगर आप अल्लाह के अलावा किसी और में भी अगर आप इल्मे गैब मानते हैं तो आप इस अकीदे की बुनियाद पर काफिर हो सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए अल्लाह से तौबा कर लीजिएगा और ये मान लीजिए, ये सोच लीजिए कि बस इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह सुबहान तआला को है, नबी को भी इल्मे गैब भाई को नहीं है, और आपने उमर रजी अल्लाह तआला अनु का इल्मे गैब साबित कर दिया। अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा जानते थे, वो झूठा है। ये हदीस आती है बुखारी शरीफ में, और हदीस का नंबर है 4855 4855। तो अल्लाह के नबी की बीवी कह रही है कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा वो नहीं जानते थे, और जो ऐसा कहता है वो एक नंबर का झूठा मक्कार कज़्ज़ाब है। आप समझ रहे हैं? अच्छा जी। और अल्लाह के नबी ने तो खुद कहा है कि मैं गैब बिल्कुल नहीं जानता। अल्लाह सुबहान व तआला ने ये इरशाद फरमा दिया कि ऐ नबी आप कह दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता, तो नबी खुद कह रहे हैं मैं गैब नहीं जानता। लेकिन अब यहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के नबी ये तो मतलब बाहर है, आपने उमर रजी अल्लाह तआला अनु का भी इल्मे गैब साबित कर दिया। तो इसलिए मेरे भाई बहुत ही प्यार से आपसे कह रहा हूँ, इसलाह की नियत से, आपका अकीदा मेरे भाई बिल्कुल गलत है, इससे तौबा कर लीजिएगा मरने से पहले, अन्ना भाई फिर आप अपने जिम्मेदार हैं, मैंने हक बात आप तक पहुंचा दी है। ठीक है, चलिए भाई, नमाज का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं रात को। अस्सलाम वालेकुम।